Hi boys and girls, welcome to Hawk Creation. This is the man who started everything. आज काफी सारी अपडेट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले तो आज 15 अगस्त है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फर्स्ट अपडेट हनी सिंह की तरफ से, पहले ये सुन लो उसके बाद एल्विश यादव बिग बॉस OTT2 को जीतने के बाद रैपरों के उन पर क्या रिएक्शन थे उसको जानेंगे। तो हनी सिंह ने दुबई गए हुए थे, मे बी अपने अपकमिंग सोल ट्रैक के लिए गए होंगे, तो वहाँ पर उनको इमरान खान एक मॉल में मिल गए। जी हाँ, वही इमरान खान जिनके साथ हनी सिंह के पास्ट में कुछ हुआ था। इमरान खान ने हनी सिंह के बारे में ये बोल दिया था कि जब इमरान खान से एक रिपोर्टर ने पूछा था कि हनी सिंह से क्या आप कनेक्टेड हैं, तो वो बोले थे कि who is that? Then are you connecting it with Yo-Yo Hani Singh or something like that? Who? Yo-Yo Hani Singh. Who's that? Oh, that was a good one. That was a good one. वो शायद एक्चुअल में नहीं जानते थे, तो इसी वजह से दोनों के बीच में ऐसा लगता था कि कुछ हुआ है, बट वो दोनों आपस में नहीं लड़े थे। लेकिन इमरान खान के इस जवाब से इन दोनों के फैंस लोग आपस में आए दिन लड़ा करते थे, बट जब ये दोनों आपस में मिले तो कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला है। आप खुद छोटी सी क्लिप देख लो पहले। Man who started everything. Neena Chile. That's the thing. 2007. The man who started everything. We're together. Watch the space. अगर ये दोनों का आपस में टकराना एक कोइंसिडेंस है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रैक आ सकता है, क्योंकि हाल ही में ऐसा सुनने को आया था कि अंकित खन्ना जो कलमकार के मैनेजर हैं, वो अब इमरान खान से कनेक्टेड हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं। तो अंकित खन्ना, कृष्णा, बादशाह और रफ्तार ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, सो मुझे नहीं लगता कि कोलैब आएगा, क्योंकि बादशाह ने रिसेंटली अपने ट्रैक गूंगल में कमबैक वाली बात बोली है और हनी सिंह बोहिमिया पाजी से भी मिल चुके हैं, बट आज तक कोलैब नहीं आया। और उधर इमरान खान ने 10 साल बाद अपनी एल्बम का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं तुम्हारा अपना इमरान खान और तुहानू नजारे विखावीए फाउंटेन व्यूज तो तुहाडा प्यार है ते तुहाडियां खास दुआवां ने जिथे असीं अज इस मुकाम ते पहुंचे हैं। उम्मीद है कि तुसीं सानूं जिवें सपोर्ट करदे आए हो करदे रहो, तुहाडे वास्ते एक नवीं एल्बम पेश करन आ रहे हैं। गर्मियां खत्म हो गईयां ने, आईके सीजन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट अपडेट एल्विश यादव की तरफ से, तो एल्विश यादव ने बिग बॉस OTT2 की ट्रॉफी जीत गए हैं। सलमान खान ने बहुत मस्ती की, दिल की धड़कन के साथ खेल रहे थे सबके, और कभी ऊपर कभी नीचे हाथ करके। फिर एल्विश यादव को जिताने के बाद एल्विश ने एक फोटो पोस्ट की जिसने 8 घंटे में ही 5.4 मिलियन लाइक्स कम्प्लीट कर लिए, और उस पर कृष्णा ने कॉमेंट किया कि भाई, तो सब लोग नीचे पूछने लगे कि भाई गाना वेन, कलम इंक ने लिखा, नजर ना लगे। महेश, बाबू भैया, MC हेडशॉट ने कांग्रेट्स कहा। और उधर जब एल्विश यादव बिग बॉस से बाहर निकले तो रिपोर्टरों ने पूछा कि आपने सलमान खान को पास्ट में रोस्ट किया था और ध्रुव राठी ने भी आपको रोस्ट किया था, तो इन सब पर आपका क्या कहना है? तो आप खुद सुन लो वो क्या कहे। फिश, इन प्रीवियस वीडियो आपने जब यूट्यूब में आपने कई सारे वीडियोस बनाए जहां पर आपने सलमान सर को टारगेट किया, बट अरे क्या बोल रहे हो तुम, आपने टारगेट किया है आपने यार, वो मेरा पुराना टाइम था, मैं बता तो रहा हूँ। खुद ध्रुव राठी ने इसके बारे में कहा है। अरे ध्रुव राठी को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ वो मैं रोस्ट करा मैंने एक टाइम पे, आई एग्री कि मैंने करा, बट जैसे आज मैं पहली बारी मिला उनसे, काफ़ी अनरियल, मतलब मुझे लगा कि यार ये कौन है, मतलब पास से पहली बारी मैंने देखा, मूवीज़ में ही देखा मैंने आज तक, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी और उन्होंने ऐसा डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं होने दिया, मतलब बहुत कंफर्टेबली बात भी करी उन्होंने, चिल मारो, ज़्यादा मत सोचो, और फिर हाथ पकड़ा उन्होंने, गले भी लगाया 2-3 बार, तो काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट अपडेट बादशाह की तरफ से, तो जैसा आपको पता ही होगा कि बादशाह बिग बॉस में कल परफॉर्म किए थे, तो उन्होंने अपनी स्टोरी के जरिए से बताया कि वो एल्विश यादव को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, फुकरा इंसान से ज्यादा। तो आप खुद देख लो। काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं एल्विश को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे अभिषेक भी अच्छा लगता है, एल्विश से मेरा रिश्ता थोड़ा पुराना है। एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2019 में मेरा एक गाना आया था पागल, जो कि जब वो रिलीज हुआ था तो काफी कॉन्ट्रोवर्सीज में गिर गया था, लेकिन एल्विश वॉज वन ऑफ दोज पीपल जिसने मुझे सपोर्ट किया था उस टाइम पे और वो गाना शेयर किया था। और जो इंसान मेरे बुरे वक्त में साथ होता है मैं उसको भूलता नहीं हूँ, और अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ऑल्सो गुड गाय, और मैंने उसकी जर्नी देखी है, मुझे अच्छा लगता है, तो ये बहुत ही सिंपल रीजन है। एंड आई होप ही विंस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स इंक्लूडिंग फुकरा, आई लव हिम टू, बहुत अच्छा लड़का है, बट मे द बेस्ट वन विन। नेक्स्ट अपडेट MC स्टैन की तरफ से, तो एक राहुल हैं, उन्होंने MC स्टैन के साथ फोटो अपलोड करी और करते ही सब लोग कमेंट्स में बोलने लगे कि स्टैनी एल्बम ड्रॉप कर, शायद एल्बम का काम खत्म हो चुका है, अब MC स्टैन की एल्बम आने वाली है। नेक्स्ट एमीवे बंटाई की तरफ से अपडेट है, तो एमीवे बंटाई ने एक पोस्ट की और लिखा कि सैक्रिफाइस किए बहुत, ख्वाब पूरे हो रहे रोज, और 8 नंबर वाला इमोजी लगा रखा था, शायद कुछ तो बना रहे हैं। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।